अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मौत के बाद अब उसके बेटे यूपी पुलिस की रडार पर है। ऐसे में अतीक अहमद के बेटे अली अहमद के नाम का एक लेटर सोशल मीडिया पर वायरल है। अली अहमद प्रयागराज की नैनी जेल में बंद है और उसके नाम का लेटर जब वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। इस लेटर के जरिए अतीक और अशरफ की मौत का जिम्मेदार बीजेपी और समाजवादी पार्टी को बताया गया है। इसके साथ ही निकाय चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोट करने की अपील की गई है। इस लेटर में लिखा गया है, अस्सलामु अलैकुम, मैं अली अहमद, महरूम अतीक अहमद के लड़के, आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि मेरे बुजुर्गों, मेरे भाई, मेरी माँ, बहन, आप लोग हालात देख रहे हैं कि कैसे मेरे वालिद और मेरे चाचा अशरफ और मेरे भाई असद का एनकाउंटर कर दिया गया और अब हमको भी मारने की कोशिश की जा रही है। आप भाइयों से विनती करता हूँ, जितना हाथ भाजपा योगी आदित्यनाथ का उतना ही समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप मुसलमान भाई एक हो जाएं। आप लोग भाजपा और समाजवादी पार्टी को वोट ना करें। आप लोगों के दिल में मेरे अब्बा के लिए थोड़ी भी जगह है तो आप लोग उनकी बात का ध्यान रखिए और मेरी वालिदा का एनकाउंटर करने के लिए पुलिस लगी हुई है, इतना इशारा आप लोगों के लिए काफी है। अब हम मुसलमान किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। बस आपसे इतनी गुजारिश है कि आप लोग मेरी इन बातों पर गौर फरमाइए। आपका बेटा, आपका भाई अली अहमद, महरूम अतीक अहमद का बेटा, आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग मेरा साथ दीजिए। खुदा हाफिज। लेटर के नीचे लिखा है, अली अहमद, पुत्र महरूम अतीक अहमद। इस लेटर के ऊपर सबसे पहले अतीक अहमद, फिर अशरफ और फिर अली अहमद की तस्वीर लगाई गई है। लेटर के नीचे बाकायदा नाम भी लिखा गया है। अली अहमद के नाम का ये लेटर इन दिनों चर्चाओं में बना हुआ है। अब देखना होगा कि क्या निकाय चुनाव में इस लेटर का कोई असर पड़ता है और ये अपील जो की गई है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रयागराज से संतोष कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।